और मेरी ये जो लुक है इट्स लुकिंग वाओ। बस आते हुए गिरी हूँ और यहाँ पे ना मुझे चोट लग गई है, ठीक है, आते साथ नजर लग गई। वेरी ऑनेस्ट, आप भी बहुत कमाल का ड्रेस है। लड़के ना शूट है। फातिमा फातिमा अगली बारी इसकी है गाइस। ये हेलो एवरीवन, दिस इज मी हिना वैसल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है ब्राइडल शावर और हम सब इसकी तैयारियां करने वाले हैं। आप भी जो है वो इस टाइम गई हुई है रेडी होने। मेरा जो मेकअप है वो आज घर पे ही होगा, मतलब खुद नहीं करूंगी। आज कोई आया है मेकअप करने, आज फातिमा भी घर पे ही मेकअप करवा रही है मेरे साथ, बाकी सारी बहनें मेकअप करवाने गई हुई हैं। तो फिलहाल आपको सारा घर का हाल है आप मैं दिखाने वाली हूँ, सो मेरे साथ साथ रहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पड़ा हुआ बहुत सारा गंद, मेरे मामा यहाँ पे कपड़े प्रेस कर रही हैं, यहाँ पे मेरा मेकअप स्टार्ट होने लगा है। तो मेकअप स्टार्ट करने के बाद आपको अपनी लुक दिखाती हूँ। ओके गाइस, तो मैंने अपने फेस पे मेकअप कर लिया है, लेकिन अभी ड्रेस वगैरह पहनना है, हेयर स्टाइल बनना है, अभी काफी चीजें होने वाली रहती है, तो सोचा आपको इन द मिडल थोड़ा सा मेकअप दिखा दूं। दिस इज माई आज की ब्राइडल शावर की लुक। अब थोड़ा सा हेयर स्टाइल में कन्फ्यूज हूँ किस तरह का बनाऊँ, हाफ पूरी बन सकती है, कुछ भी बन सकता है, सो लेट्स सी, डिसाइड करते हैं एंड देन मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, और यहाँ पर फातिमा मैडम का शूट चल रहा है और जो मेरा मेकअप है वो हाफ डन, आपको जैसे पहले बताया था वो अब बाल बन रहे हैं, जैसे भी बनेंगे आपको पता लगता है, ठीक है। मैंने एक यूनिक हेयर स्टाइल सोचा, आपने कमेंट में बताना कि आपको मेरा हेयर स्टाइल कैसा लगा, ठीक है। ओके गाइस, सो टाटा, दिस इज माई हेयर स्टाइल। अभी इसमें कुछ कमी पेशी है तो वो हम पूरी करेंगे, और क्योंकि अभी हमने यहाँ पे थोड़े से ना बीड्स लगाने हैं, सो मैंने ना काफ़ी टाइम से ऐसा हेयर स्टाइल सोचा हुआ था, और मेरी ये जो लुक है इट्स लुकिंग वाओ, इट्स लुकिंग लाइक अ वाओ। अब मेरी अम्मा जो है यहाँ पे मेकअप करवाने लगी हैं और यहाँ पे फातिमा बेबे का मेकअप हो रहा है। तुमने अच्छा लग रहा है, तुम्हारे साथ बैग मैच हो गया। अब हम लोग रेडी होते हैं और फाइनल होकर आपको सब लुक दिखाते हैं, बिकॉज आज हमारा 12 बजे का टाइम था लेकिन अभी ऑलमोस्ट 2 बज जाएंगे हमें लग रहा है, तो हम एज यूजुअल आज भी लेट हैं, सो देखते हैं आगे क्या होता है। ओके गाइस, सो दिस इज माय लुक, और यहाँ पर मैंने ना कुछ इस टाइप के बीड्स लगवाए हैं, बिकॉज मैंने काफ़ी टाइम से ये वाला हेयर स्टाइल मैं ट्राई करना चाह रही थी लेकिन कर नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे खुद से नहीं बनाना आता, तो भाई हेयर स्टाइलिस्ट ने बहुत मज़े का मेकअप बनाया, मैं पागल हो गई हूँ, हेयर स्टाइल बनाया, और ये अभी जाएगा फुल लुक, आपको किसी को ढूंढ के दिखाऊंगी अपने। ओके गाइस, सो यहाँ पे ज़ैनब का मेकअप रिफ्रेश हो रहा है, इधर मेरी अम्मा के बाल बन रहे हैं। मुझे नहीं पता था ये आप ही ने संभाल के रखे हुए और ये आज के दिन काम आएंगे, काम आ गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं लोकेशन पे, वहाँ जाके आपको अपनी फुल लुक दिखाएंगे। ज़ैनब अभी भी हेयर स्टाइल अपना डन करा रही है, गंजी चुड़ैल, फोटोग्राफर्स वहाँ पे वेट कर रहे हैं, सिर्फ तुम्हारा वेट हो रहा है तुम्हारे हेयर स्टाइल का। निकलो जल्दी, आप ही पहुंच गई फिर तुम करवा लेना शूट अपना। पहुंच गई, पहुंचने वाली है तो तुम्हारा शूट हो जाएगा फिर। बस मुझे प्यारा बन ले, जल्दी से प्यारा बन दो। आप बताएं रापी कैसा हेयर स्टाइल। अच्छा, इसको इसी तरह से ही रहने दो। ओके गाइस, सो एक सेकंड, मेरा मेकअप जो हो चुका है वो डन, अभी सिर्फ मुझे ना अब्बा छोड़ने जा रहे हैं कि भाई बेटा तुम जाओ जाके शूट वूट कराओ, और ये लोग मेरी बहनें ना वहाँ पे बाद में आएंगी, और कुछ मेरा लेने वाला रहता तो नहीं है, नहीं सब कुछ ओके है। और लोकेशन पे क्या है, क्या डिकोर है, कैसा सेट है, आपको जाके दिखाती हूं। सो गाइस लेट्स गो। ओके गाइस, सो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने लोकेशन पे और वहां पे हमारे फोटोग्राफर जमीन पे बैठ के इंतजार कर रहे हैं, तो भाई हम लोग आ चुके हैं, अब आपको सेटअप में दिखाते हैं। चले ठीक है पापा जी, आज का इवेंट में मर्द हजरात इज नॉट अलाउड, तो आज आप घर जाके आराम से सोएं। नहीं नहीं, मैं अपने जिम शिम जाऊंगा, एंजॉय करूंगा। आज आप एंजॉय करें जो मर्जी करें, लेकिन आज आप अलाउड नहीं, तो आप अरीब भाई की बैचलर पार्टी में भी जा सकते हैं इफ यू वांट टू गो, लेकिन अभी वो है नहीं, सो बाय बाय। तो भाई मैं ना यहाँ से आते हुए ना, यहाँ ये जो ऊपर जो छोटी सी बननी है ना, यहाँ से आते हुए गिरी हूँ और यहाँ पे ना मुझे चोट लग गई है, ठीक है, आते साथ नजर लग गई है, लेकिन मुझे पता है मुझे चोट क्यों लगी, मैंने अपने को ना बहुत ज्यादा इंतजार करा, उन्होंने ना इज्तिमाई दुआ किया मेरे लिए कि हिरा ना, ठीक है ना, समझ रहे हो ना आप, तो मुझे चोट लग गई आते साथ, तो कोई नहीं, होता है चलता है। आप ही की फ्रेंड्स आई हुई है, फातिमा की फ्रेंड्स आई हुई है, ज़ैनब की फ्रेंड्स आई हुई है, हाय, इतने प्यारे लग रहे हैं सब दोनों ही आते। थैंक यू, आप भी बहुत प्यारी लगी है। थैंक यू, आ रही है तुम लोगों की ज़ैनब। हमने इतनी देर कॉल की है, उसने हमें कहा था जल्दी आगे 2 बजे, उसने तुम लोगों को इग्नोर कर दिया, उसने कहा था 2:30 आना है और अच्छा। अभी 4 बज रहे हैं। हाँ, टाइम बस यही है, ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे सेटअप दिखा देती हूँ, यहाँ पे पूल में कुछ इस तरह से ये लगाया हुआ है। दुआ कीजिएगा आप, मैं पूरे थ्रू आउट द व्लॉग दुआ करनी है, मैं कहीं और गिरूँ नहीं, ठीक है। ओ माय गॉड, कितना प्यारा सेटअप लगाया हुआ है यहाँ पे। वेयर इज द ब्राइड, हाय गाइस,
तुम लोगों को देख के मुझे लग रहा है मैं ना अच्छा तैयार नहीं हूं। बहुत प्यारी लग रही हो सच में यार। अच्छा अच्छे लग रहे नहीं तुम लोग सच में, तुम लोग वहाँ से बाहर आए थे ना। और आपको सबको बता दो सबने यहाँ पे पर्ल्स लगाए हुए हैं। पता नहीं शायद ब्राइडल शावर का मतलब ही ये होता है। फातिमा अपनी फुल लुक दिखाओ। नाइस नाइस। और वो मेरी अम्मा है, तुम दोनों ने ट्विनिंग की है। हाँ जी, पापा को मना किया था नहीं आना, बाबा फिर आ गए हैं। अभी पूछती हूँ क्यों आए, क्यों आए आप? मैं बस ये देखने पापा को हो रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी बस ब्राइडल शावर में नहीं होते हैं आदमी, होते हैं थोड़े बहुत दे दें आप। हाँ आप आ सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा ये दिन है, ठीक है डन। ओह माय गॉड, ज़ैनब भी पहुंच चुकी है। प्यारी लग रही हूँ, बहुत प्यारी लग रही हो। ओह माय गॉड, पर्ल्स क्यों नहीं लगवाए, तुम भी लगवा लेती। ये क्या है? तो वही आज हम सब का ना चाहते हुए पर्ली थीम बन गया। हमने हालांकि डिसाइड नहीं किया था। हेयर स्टाइल बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। हीरा वैसे और इतना प्यारा यहाँ पे ब्राइड टू बी का सेट लगा हुआ है, बट आई डोंट नो ब्राइड किधर है हमारी। एज यूजुअल लेट लेट लेट, जल्दी आ जाओ भाई। यहाँ पे फातिमा अपना शूट कराते थे और मुझे ना यहाँ पे मेरे मतलब की चीज़ दी थी खाना। मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया हुआ और मैं ना कुछ खाने लगी हूँ। मेरा खाया हुआ है प्लेटर। खा सकते हैं ना, सिर्फ एक सैंडविच चाहिए, भूखी हूँ मैं। विलन की बहन हूँ, दे दे खाना ही नहीं देंगे मुझे आप। हम यहाँ से चुरा रहे हैं और ये पता है मुझे क्यों मिला है, ये कह के कि दुल्हन की बहन हूँ, वरना कोई इज्जत नहीं है इधर मेरी। अभी अब आ चुकी है हमारी ब्राइड इन द हाउस और इतनी प्यारी लग रही है ना। आते साथ हमारी जो ब्राइड का ना यहाँ पे शूट हो रहा है, एंड यू गाइस कैन सी हर लुक। इतनी कोई रॉयल वाइब आ रही है ना मुझे आपकी से कि मैं क्या बताऊँ। ठीक है अब हम लोग जा रहे हैं बाहर, ब्राइड मेड है काम पे लगी हुई है, बाहर जा रहे हैं और फोटोग्राफर्स को बुला रहे हैं। ओके गाइस, यहाँ पे सब मेरी अम्मा इतनी प्यारी लग रही है। मम्मा जी आपने पहले मुझे बताया, मम्मा बहुत प्यारी ऐसे लग रहा है, सब बहुत प्यारे लग रहे हैं सिवाय मुझे छोड़ के, पता नहीं क्यों। ये सब क्या लगता है, मतलब सब प्यारा लगता नहीं लग रहा, बाकी प्यारे लग रहे हैं, बाकी प्यारे लग रहे हैं। कोई मेरी फुल लुक दिखाएगा? लाओ लाओ, मैं सर सर हाजिर। दिस इज सिवाय बाहर का तो हो गया, अब लोग कह गए सिराफी सारे मेरे स्टैटिक पोज ले लो। फिर दुल्हन आ गई ना तो फिर हमें दुल्हन को प्रोटोकॉल देना है, फिर हमारी खुद की कोई औकात नहीं है अभी, क्योंकि मुझे लगता है जो शादी के इवेंट्स होते हैं ना वो सिर्फ दुल्हन एंजॉय करती है, असली मेड्स ही बनी आ रही है। और हमारे जो पाँव हैं वो दुखना शुरू हो गए हैं मेरे भी, और यार अभी से सीरियसली। हाँ तो भाई ये जो मेरा ड्रेस है मैंने रेन क्लोज़ेट से लिया है और मैंने कस्टमाइज बनवाया था। सब यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे फाइनली चारों बहनें एक साथ खड़ी हुई हैं। हियर इज द ब्राइड, टू बी वेरी ऑनेस्ट आप भी बहुत कमाल का ड्रेस है। वो पानी आ रहा है, बहुत अच्छी लग रही है। खाने के साथ पियो। तो यहाँ पे डायरेक्शन दी जा रही है कि मेरी पिक्चर्स ऐसी लेनी, फील कर रही हूं मेरा शूट नहीं होना, अंधेरा हो गया यार। और यहाँ पे फिर बताया जा रहा है कि पिक्चर्स लेनी, और वहाँ पे ब्राइड ब्राइड का शूट हो रहा है। ये सबसे छोटी ब्राइड मेड ना सबसे पहले आके ना खाना भी खुल गया, मुझे इसे जलन हो रही है। ये रोटी क्यों खा रही है, ये कोना क्यों खा रही है, इसका इसका खाना किसने पहले खुलवाया, पहले मुझे ये बताओ ना जरा। ये मैडम यहाँ पे आ गई है पूल के अंदर से ना, वो भी वहाँ पे पूल के अंदर बैठी हुई है, टी पे शूट करा रही है इतनी ठंड में, आई डोंट नो कैसे। मैं तो सुकून से यहाँ साइड पे बैठ गई हूँ, मैं थक गई हूँ, मेरी मैं एक तो गिर भी गई थी, आपको मैंने दिखाया भी था। गाइस यहाँ पे थोड़ी सी लाइट आ रही है लेकिन कुछ दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है। राबिया ने मुझे ये दिए, ये बता रहा है आदमी, अभी ना सिर्फ और सिर्फ थोड़े दिन रह गए हैं मेहंदी में भी मायों में भी, तो अभी से प्रैक्टिस हो रही है। ये देखना ज़रा कैसे प्रैक्टिस की जा रही है स्पेशल। ठीक है यहाँ पे सब खा रहे हैं स्टार्टर्स, और अभी मुझे इस तरह की ऐसे स्टार्टर्स वाली नहीं, मुझे मेन कोर्स वाली भूख लगी हुई है। सो जैसे ही वो खाना खुलेगा फिर हम खाएंगे गरम गरम स्टेक स्टेक जो भी होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे इनके शूट वूट चल रहे हैं, सब के सब बैठे हुए, और हम लोग क्या करने जा रहे हैं, खाना देखने जा रहे हैं, मेन्यू देखने जा रहे हैं, फिर आपको बताएंगे कैसा खाना है। ठीक है लाइव चाइनीज मंचूरियन चिल्ली ड्राई चिकन, आ हा 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 वाला।
हाँ जी यहाँ पे तो यहाँ पे मिलेगा तो वहाँ पे गेस्ट खाना खा रहे हैं, यहाँ पे शूट की इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं और यहाँ पे हम लोगों ने सबने ये वाले जो क्राउन्स थे रखे थे राबिया के कहने पे पिक्चर्स अमेजिंग अमेजिंग से लिए हैं। राबिया पोस्ट करेगी आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे बातें चल रही हैं, सिखाया जा रहा है कि पोस्ट किस तरह से करना है, ठीक है चलो। और यहाँ पे तो अपने तुम्हारे सर पे क्राउन और कह रही है मेरा क्राउन कहाँ है। चलो फातिमा आ जाओ, चलो यहाँ पे व्लॉग बन रहे हैं और यहाँ पे ब्राइडल शावर के साथ ब्राइड की फ्रेंड्स फ्रेंड खड़ी। हम लोगों ने तो शूट वूट करवा ली है, बहुत मजे मजे की पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। ज़ैनब फोटोग्राफर और इतने गंदे एंगल ले रही है अकॉर्डिंग टू ऑडियंस। हीरा आपी आपी की देखभाल करते हुए कि हीरा आपी का फोटो शूट कर रही है। कितनी प्यारी पिक्चर है, ऐसे पोज मारो। और पीछे फोटोग्राफर खड़े हैं तो बाद में ले लेंगे। चल 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 चल। अब यहाँ पे माँ बेटी का फोटो सेशन चल रहा है। प्यार, ओ माय गॉड, मुझे धोखा दिया दोनों ने। ओके गाइस, तो मेरी हालत हो चुकी है बुरी इस टाइम, तो हम हील से शिफ्ट कर रहे हैं सीधा फ्लैट्स पे, ठीक है। दिस इज द रियल स्टोरी बिहाइंड एवरी परफेक्ट शूट, एवरी परफेक्ट इवेंट, यही स्टोरी है सबकी। और मुझे नहीं पता ये मुझे शूज़ बड़े क्यों हैं, मेरे ही हैं पर पता नहीं क्यों बड़े हैं। और वहाँ पे केक वगैरह आ गया है तो आपको दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा सा केक आया ब्राइड का, दिखाती हूँ फिर बताती हूँ कि क्या होने वाला है। गाइस मुझे नहीं पता ये हील किसकी है, मुझे नहीं पता ये हील किसकी है। सब ने ना अपनी अपनी हील ने उतार के इधर रखी हुई है, ये हील मम्मी ने उतारी हुई है और सब ने ना अपने पाँव इस पूल के अंदर डुबोए हुए हैं, डुबोए डुबकियाँ लगाई हुई हैं। चेक द हील, सब ने इतनी लंबी लंबी हील्स पहनी हुई हैं और मुझे समझ नहीं आती इतनी लंबी हील पहन के लड़कियाँ कैसे गुजारा कर लेती हैं, पता नहीं। ब्राइड का केक, इतना प्यारा केक है यार, हाँ इनिशियल्स हैं इसके ऊपर। मैं इधर बूढ़ी अम्मा बनी हुई हूँ ये शॉल लेके। ओके गाइस, और यहाँ पे छोटे छोटे अपने अपने सब इनिशियल्स हाथ में पकड़ के ना शूट। फातिमा मैंने तुम्हें बोला था कि ये गिरेगा। माय गॉड, हीरा ये क्या किया, मैंने तुम्हें बोला था। माय गॉड फातिमा, किसका फातिमा, इसको भी जोड़ के रख सकती हो यार तुम। यार ये हमारी पिटरिया लो हो गई है, चल नहीं रही ध्यान से। सबको बता दो लाइटर नहीं चल रहा, चलाना भी समझ में नहीं। कोई पीता मैं तो लाइटर निकालो यार, चल चला ब्राइट नहीं चला। आग कैसे लगेगी ब्रो, जिनका ये लाइटर है वो खुद लगा दे यार। हैप्पी ब्राइडल नहीं, हैप्पी ब्राइड थोड़ी, हैप्पी ब्राइड टू भी बोलेंगे, हैप्पी ब्राइड टू मी। ये पहले मेरी चारों बहनें की करके बुझाए सबको। यार टिश्यू पकड़ लो, मैं सबको देती हूँ, प्लेट सभी है ही नहीं, बड़ी बात है प्लेट होनी चाहिए। ओके गाइस, तो हम लोग थक हैं, आए तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं घर। मैंने अपने इयररिंग्स वगैरह उतार दिए हैं, यहाँ पे थकी हारी ये भी बैठी हुई है, बाहर सब गेस्ट बैठे हुए हैं और मेरे से वही मेरा नाम हीरा बदल के ना चाय रख दो, मुझे सब बुला रहे हैं, फोर द चाय, चाय रखती हूँ। अम्मा मुझे देख रही हैं, हीरा अब मेरी ड्यूटी ना, मम्मा हीरा चाय चाय चाय
तो हम चाय बनाते हैं अभी। ओके गाइस, तो आज का इवेंट बहुत 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 ज़्यादा अच्छा रहा। इसके बाद हमारा जो इवेंट होगा वो है माइयों का, और आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट इवेंट। तो आप लोगों की ढेर सारी दुआओं का, ढेर सारे प्यार का बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि हमें इस टाइम आपका ही प्यार चाहिए। और बहुत सारे लोग तो कमेंट करते हैं कि हम घर बैठ के आपकी शादी अटेंड कर रहे हैं, तो भाई हमारा मकसद यही है कि आपको घर बैठ के शादी इन्जॉय करवाएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर, प्लस डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो।